हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे आरएस अग्रवाल का सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1B। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट इन ईच केस वेदर ए सबसेट ऑफ बी और ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी। मतलब कि हर एक क्वेश्चन में दो सेट दिया हुआ है, ए एंड बी, और हम लोग को फाइंड करना है कि जो ए है वो बी का सबसेट है या फिर नहीं। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर बी के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है और ए के अंदर है 0, 1, 2, 3। मीन्स ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो क्या होगा, जो ए होगा वो बी का सबसेट नहीं होगा। ओके, बिकॉज ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मौजूद नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड मीन्स इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो यहाँ से पहले हम लोग ए का अंदर जितना भी एलिमेंट है वो हम लोग निकाल लेंगे। मीन्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, देन एक्स का वैल्यू आएगा √1 और √1 का वैल्यू होता है -1 एंड +1, दोनों होता है, -1 भी होता है एंड +1 भी। तो इसके अंदर एलिमेंट आएंगे -1 एंड +1। -1 इसलिए मैंने लिखा क्योंकि यहाँ जेड है इंटीजर और इंटीजर माइनस में भी होता है। देन अब हम लोग बी के अंदर जो भी एलिमेंट है वो फाइंड करेंगे। तो बी के अंदर एलिमेंट क्या क्या आएंगे, तो बी जो है वो एक्स, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एंड एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 होना चाहिए। मीन्स यहाँ से जो -1 का वैल्यू है ये बी के अंदर नहीं आएगा, ओनली 1 आएगा, बिकॉज यहाँ पर नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है इसलिए यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ए के अंदर एलिमेंट है -1 और 1 वो बी के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें भी क्या लिखेंगे, जो ए है बी का सबसेट नहीं है, तो ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए के अंदर एक कोई भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स ए ब्लैंक है, 5 है। ओके, और बी के अंदर एक एलिमेंट है बी सेट के अंदर और वो एलिमेंट है 0। तो ए का जो भी एलिमेंट है वो बी के अंदर मौजूद है, इसलिए क्या होगा, ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का। मीन्स यहाँ पर 5 दिख नहीं रहा बट हर एक सेट के अंदर 5 मौजूद होता ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। एक सेट है ए जिसके अंदर लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल सर्कल इन अ प्लेन, एक प्लेन में सारा सर्कल का सेट। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर एक प्लेन बनाएंगे, मान लीजिए एक प्लेन है, इसके अंदर अगर हम लोग को सर्कल बनाना है तो ये सर्कल है 1, 2, 3, 4, ऐसा करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल हम लोग बना सकते हैं। देन अगर बी के बारे में बात करें, ये ए सेट के अंदर आएगा और बी सेट के बारे में बात करें तो बी में लिखा हुआ सेट ऑफ ऑल सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस इन अ सेम प्लेन, मीन्स एक यूनिट रेडियस में जितना भी सर्कल आएंगे उनका सेट। तो मान लीजिए ये प्लेन है, इसके अंदर एक यूनिट रेडियस है, 1 यूनिट। ओके, तो यहाँ इसका जो भी सर्कल बनेगा वो एक ही बनेगा क्योंकि एक यूनिट रेडियस प्लेन में एक ही सर्कल बन सकता है। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर भी बनाएं, ये एक यूनिट, ओके, ये रेडियस एक यूनिट, और यहाँ पर फिर सर्कल बनाएंगे तो ये फिर एक ही सर्कल, सेम सर्कल बनेगा, मीन्स सेम साइज का, क्योंकि यहाँ पर बोल चुका है कि उसका रेडियस होना चाहिए यूनिट रेडियस। मीन्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ए का सारा सर्कल है वो बी के अंदर आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा कि ए का सारा सर्कल है वो बी के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइज का सर्कल आएगा बट यहाँ पर एक यूनिट का ही सर्कल होगा। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो ए सेट होगा वो सबसेट नहीं होगा बी सेट का, मीन्स ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी सेट। देन लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ए इक्वल टू 1 मीन्स एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 1 एंड बी एक सेट है जिसके अंदर एक सेट है और एक एलिमेंट है, मीन्स 1 जो है वो सेट है और ये 2 है एक एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि ए के अंदर जो 1 है वो बी के अंदर मिल रहा है कि नहीं, तो हम लोग पाएंगे कि बी के अंदर वो 1 नहीं है, मीन्स ये जो है ये 1 नहीं है, ये सेट, एक सेट है, ओके, और उस सेट के अंदर एलिमेंट है 1। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए जो होगा वो सबसेट नहीं होगा बी का। यहाँ पर एक टर्म हम लोग लिख सकते हैं, ए जो है, सॉरी, यहाँ पर जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है बी से, मीन्स बी जो है सेट इसके अंदर 1 है बट यहाँ पर जो ए है वो सबसेट नहीं होगा बी का, 1 इसके अंदर है बट वो सेट के फॉर्म में है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, जो ए होगा वो डज नॉट सबसेट ऑफ बी होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है, राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हम लोग को जितना भी सेट दिया हुआ उसका सारा सबसेट लिखना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में सबसेट के बारे में बताया था कि सबसेट और पावर सेट सेम होता है, मीन्स इसका जितना भी सबसेट आएगा वो लिखना है, उसको हम लोग एक और लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इसका पावर सेट हम लोग को निकालना है। इसका सॉल्यूशन होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू, मीन्स यहाँ पर पावर सेट का मतलब क्या है, सबसेट है, तो ए के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो 5 सबसे फर्स्ट होगा क्योंकि 5 हर एक के सेट के अंदर होता है,
बट दिखता नहीं है। देन यहाँ पर कॉमा करके यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ पर एक ही पेयर बनेगा थ्री का। ओके तो इसका अंदर पावर सेट क्या आएगा, इसके अंदर सबसेट आएगा फाइव एंड थ्री। देन क्वेश्चन नंबर बी में क्या आएगा, बी के अंदर एलिमेंट आएगा मीन्स पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू, यहाँ पर सबसे फर्स्ट में क्या आएगा फाइव आएगा, देन क्या आएगा माइनस टू माइनस सॉरी यहाँ पर ये जो थ्री है वो कर्ली ब्रेसेस में होगा थ्री। ओके देन यहाँ पर भी माइनस टू होगा कर्ली ब्रेसेस में माइनस टू, देन माइनस फाइव होगा माइनस माइनस फाइव देन कॉमा, फिर ये दोनों का पेयर लिखेंगे मीन्स माइनस टू कॉमा माइनस फाइव माइनस फाइव। ओके तो ये इसका पावर सेट होगा मीन्स ये इसका सबसेट होगा जिसके अंदर एलिमेंट आएंगे जीरो सॉरी फाइव माइनस टू माइनस फाइव एंड माइनस टू माइनस फाइव। देन क्वेश्चन नंबर थ्री का जो पावर सेट होगा वो होगा सी पावर सेट ऑफ सी इक्वल टू, सबसे फर्स्ट में क्या आएगा फाइव आएगा, देन सेट माइनस थ्री आएगा, देन जीरो आएगा, देन थ्री आएगा, देन अब पेयर बनाएंगे दो दो का पेयर बनाएंगे तो माइनस थ्री एंड जीरो मीन्स यहाँ पर आएगा माइनस थ्री एंड जीरो, देन आएगा जीरो एंड थ्री, तो इसको नीचे लिख देते हैं जीरो एंड थ्री, देन आएगा माइनस थ्री एंड थ्री, क्या आएगा माइनस थ्री एंड थ्री, फिर आएगा आप तीनों को कंबाइन कर देना क्योंकि दो दो का पेयर बन चुका है, दो का माइनस थ्री जीरो जीरो थ्री और माइनस थ्री थ्री, अब तीनों कंबाइन करके लिखेंगे माइनस थ्री जीरो एंड थ्री कॉमा माइनस थ्री जीरो एंड थ्री, तो ये सारा सबसेट होगा सी का। ओके तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर देखते हैं, तो डी के अंदर पावर सेट ऑफ डी के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएगा मीन्स क्या क्या सेट आएगा, तो सबसे फर्स्ट में आएगा फाइव, देन आएगा ए, देन आएगा बी, देन आएगा ए बी। ओके तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, ई के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है मतलब ई के अंदर ओनली फाइव है, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो फाइव होगा, तो पावर सेट ऑफ अगर ई हम लोग लिखेंगे तो इसके अंदर ओनली क्या होगा फाइव होगा। ओके तो इसका आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, एफ इक्वल टू टू एंड सेट ऑफ सेट थ्री, ठीक है तो इसका अगर हम लोग पावर सेट लिखना चाहेंगे तो पावर सेट ऑफ एफ इक्वल टू फर्स्ट, सबसे फर्स्ट में क्या आएगा फाइव आएगा, देन आएगा टू, देन आएगा टू एंड थ्री, तो थ्री को हम लोग क्या लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे, थ्री को भी ब्रैकेट में लिखेंगे ये ऐसे, उसके बाद एलिमेंट आएगा सॉरी यहाँ पर ओनली थ्री होगा पहले, उसका बाद पेयर वाला हम लोग लेंगे तो ओनली यहाँ पर थ्री होगा, थ्री को हम लोग कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे मीन्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये वाला थ्री, उसके बाद कॉमा करके ये दोनों को आप पेयर में लिखेंगे, पेयर में लिखेंगे कैसे टू कॉमा थ्री। ओके तो ये हो गया एक और जो दोनों का पेयर करके हमने लिखा, फिर इसको लास्टली बंद कर देंगे, तो इसके अंदर एलिमेंट आया है जीरो सॉरी फाइव टू थ्री टू एंड थ्री, तो ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर टू का। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू वन टू थ्री, एक सेट है जिसके अंदर थ्री एलिमेंट है वन टू थ्री, हम लोग को फाइंड करना है पावर सेट ऑफ ए एंड नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, मतलब इसका पावर सेट पहले निकालना है तो उसके अंदर जितना भी नंबर है वो लिखना है, ठीक है तो इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे मीन्स पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए के अंदर एलिमेंट आएगा सबसे फर्स्ट में फाइव आएगा, देन वन आएगा, देन टू, देन थ्री, वन टू एंड थ्री, उसके बाद आएगा दो दो का पेयर करके मीन्स वन एंड टू वन एंड टू, देन आएगा टू एंड थ्री, देन आएगा वन एंड थ्री, ये दो का पेयर हो गया। अब थ्री का पेयर एक ही बनेगा क्योंकि यहाँ पर थ्री एलिमेंट है वन टू एंड थ्री, तो थ्री का पेयर में होगा वन टू एंड थ्री। ओके तो ये होगा पावर सेट ऑफ ए। अब हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए का क्या फॉर्मूला था, इक्वल टू होता है टू टू द पावर
ए के अंदर, ए सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो पावर में जाता है 2 के पावर में, मीन्स ए के अंदर 3 एलिमेंट है तो 2 का पावर में 3 जाएगा। तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, 2 का पावर 3 8 होगा। मीन्स नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू आएगा 8, एक सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम लोग को एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एज एन इंटरवल। जितना भी यहाँ सेट्स दिया हुआ है उसको हम लोग को इंटरवल में, मीन्स नंबर लाइन के साथ उसको इंटरवल में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए -4 से ग्रेटर देन एंड 0 से लेस देन होना चाहिए। मीन्स अगर इसे हम नंबर लाइन में बनाएंगे तो ये होगा -4 -3 -2 -1 0 1 एंड 2। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि -4 कहाँ पर है। तो -4 में हम लोग एक सर्कल बनाएंगे और इस सर्कल को हम लोग फिल नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। फिर यहाँ पर देखेंगे 0 तक गया है, मीन्स यहाँ पर 0 में एक सर्कल बनाएंगे और इसको भी फिल नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन नहीं है। फिर इस लाइन को हम लोग डार्क कर देंगे, मीन्स हाईलाइट कर देंगे। तो ये इंटरवल होगा -4 लेस देन एक्स लेस देन 0, मीन्स ये होगा ए सेट का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन में। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। एक सेट है बी, बी के अंदर लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए 0 के बराबर और बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर 0 लिखते हैं, यहाँ -1, यहाँ 1 2 3 4। ओके, फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 0 में एक सर्कल बनाएंगे और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल को फिल कर देंगे। देन क्या करेंगे, 3 में एक सर्कल बनाएंगे बट यहाँ पर फिल नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, मीन्स ये 3 तक नहीं पहुँचेगा। फिर इस लाइन को हम लोग हाईलाइट कर देंगे। ओके, तो ये इंटरवल होगा बी सेट का। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में है एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स का वैल्यू 2 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 6 का इक्वल और उससे लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे, 0 -1 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हम लोग को लेना है 2 से, मीन्स यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे, देन यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसको फिल नहीं करेंगे। देन यहाँ पर 6 तक गया है तो 6 में एक सर्कल बनाएंगे और उसको फिल कर देंगे बिकॉज 6 में क्या है, इक्वल टू का साइन है, मीन्स ये जो है सेट 6 का 6 भी वैल्यू इसके अंदर आएगा। देन इस दोनों इंटरवल को हम लोग हाईलाइट कर देंगे। ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 का, मीन्स सी सेट का ये इंटरवल हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में डी एक सेट दिया हुआ है जिसके जिसमें जो एलिमेंट है एक्स वो रियल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स का जो वैल्यू है वो -5 से ग्रेटर देन एंड 2 से लेस देन होगा और इक्वल टू भी होगा साथ में। देन इसका अगर हम लोग इंटरवल बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे -5 -4 -3। यहाँ पर हम लोग नंबर कहीं तक आगे तक बढ़ा सकते हैं बट मैंने यहाँ पर कम जगह होने के कारण -5 से स्टार्ट किया है, -3 -2 -1 0 1 एंड 2 3। ओके, अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। तो -5 में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसको फिल कर देंगे। फिल इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, देन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स का जो वैल्यू है 2 तक गया है, मीन्स 2 में एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसको भी फिल कर देंगे बिकॉज इसमें भी इक्वल टू का साइन है इसलिए इसको भी फिल कर देंगे। देन यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल -5 से 2 तक का जो भी इंटरवल है उसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यानी डी सेट का सॉल्यूशन हो जाएगा। डी सेट का ये क्या होगा, इंटरवल होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 में एक ई सेट दिया हुआ है और लिखा हुआ है जो एक्स है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, देन एक्स का वैल्यू है -3 से ग्रेटर देन एंड 2 से लेस देन, मीन्स -3 यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, मीन्स -3 भी पहुँचेगा और 2 तक ये नहीं जाएगा, मीन्स 2 में यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। देन इसका अगर हम लोग इंटरवल बनाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, -3 में हम लोग सर्कल बनाएंगे और इसको इस सर्कल को फिल कर देंगे।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टू जो यहाँ टू तक गया है तो टू में एक सर्कल बनाएंगे और उसको फिल नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो इक्वल टू का साइन नहीं है, मीन्स यहाँ ये जो सेट है वो टू, इस सेट में टू जो वैल्यू है वो नहीं आएगा। फिर इस इंटरवल को हम लोग हाईलाइट कर देंगे तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा सेट ई का। फिर अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स में सेट एफ दिया हुआ है, तो इसके लिए हम एक इंटरवल नंबर लाइन बनाएंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कि एक्स का वैल्यू है कहाँ तक गया है, मीन्स एक्स का वैल्यू माइनस टू के इक्वल टू और ग्रेटर देन एंड जीरो से लेस देन गया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू एंड थ्री। फिर क्या करेंगे, माइनस टू में हम लोग को एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसको हम लोग फिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है तो इस सर्कल को हम फिल कर देंगे। देन यहाँ पर जीरो तक इसका वैल्यू गया है, तो एक जीरो में सर्कल बनाएंगे, इसको फिल नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। देन इस दोनों इंटरवल को हम लोग हाईलाइट कर देंगे, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग को जितना भी इंटरवल दिया हुआ है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, तो चलिए इसको चेंज करते हैं। ये सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फोर के जैसा ही है, तो इसका सॉल्यूशन होगा ए इक्वल टू, यहाँ पर ए के अंदर दिया हुआ माइनस टू थ्री, और इस ब्रैकेट के मतलब है, मीन्स ये जो ब्रैकेट ये उल्टा दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि जो माइनस टू है वो पहुँचेगा नहीं, मीन्स माइनस टू तक नहीं जाएगा। और यहाँ पर भी ये उल्टा ब्रैकेट है थ्री में, तो मीन्स इसका मतलब ये है कि ये थ्री तक भी नहीं पहुँचेगा। और यहाँ पर जैसे सीधा ब्रैकेट दिया हुआ है, मीन्स ये पाँच, ये जो वैल्यू है पाँच तक इसका पहुँचेगा, और यहाँ पर भी ये सीधा ब्रैकेट है, मीन्स इसका जो बी बी में जो एलिमेंट आएंगे वो नौ तक पहुँचेगा। तो इसके अंदर लिखेंगे x such that x belong to real number and उसके साथ क्या होगा, माइनस टू लेस देन x लेस देन थ्री। अब यहाँ पर कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी ब्रैकेट है वो उल्टा दिया हो गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेट ए का सॉल्यूशन। फिर अगर हम लोग सेट बी के तरफ बढ़ेंगे, तो सेट बी के अंदर हम लोग लिख सकते हैं x such that x belong to real number and यहाँ पर देखेंगे कि 5 और 9 दिया हुआ है, means 5 less than x less than 9, और इसके साथ यहाँ पर equal to का साइन भी आएगा, because यहाँ पर जो भी दो ब्रैकेट दिया हुआ है वो दोनों सीधा ब्रैकेट है, ओके तो यहाँ पर इसलिए equal to का साइन होगा। इसका मतलब है कि जो x का वैल्यू 5 भी पहुँचेगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा और 9 भी पहुँचेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री में हम लोग देखेंगे कि एक सेट सी दिया हुआ है, सी के अंदर 8 और 11 है, और ये साइन का मतलब है कि 8 तक पहुँचेगा, और ये जो उल्टा ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है कि ये 11 तक नहीं पहुँचेगा। देन यहाँ पर हम लोग लिखें लिख सकते हैं x such that x belong to real number and 8 less than equal to x less than 11, बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू का साइन मैंने दिया, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो सीधा ब्रैकेट है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर को देखेंगे, एक सेट डी दिया हुआ है, इसके अंदर 4 और 9 है, 4 से 9 तक का वैल्यू है, तो यहाँ पर d लिखेंगे, d इक्वल टू x सच डैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड माइनस 4 लेस देन x लेस देन 9। यहाँ पर इक्वल टू का साइन कहाँ पर होगा, तो जहाँ पर ब्रैकेट जो है वो सीधा होगा, यहाँ पर ब्रैकेट सीधा है मीन्स 9 में, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन होगा। इसका मतलब होगा कि जो x का वैल्यू है 9 भी होगा। देन यहाँ पर e का e सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा, x सच डैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड यहाँ पर माइनस 12 जो है वो पहुँचेगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है सीधा ब्रैकेट है, तो माइनस 12 में इक्वल टू का साइन लगेगा, देन x देन लेस देन 6, और 6 का 6 में इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो उल्टा है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, f इक्वल टू 0 एंड 4, 0 में उल्टा ब्रैकेट है मीन्स ये 0 तक इसका वैल्यू नहीं पहुँचेगा, देन 4 में सीधा ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि 4 में इसका वैल्यू पहुँचेगा। देन f के अंदर हम लोग लिख सकते हैं x such that x belong to real number and जो x का वैल्यू है वो 0 से लेस देन होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा एंड 4 से लेस देन होगा, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन कहाँ पर होगा, 4 वाले में, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन होगा। तो ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ a इक्वल टू एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 3, 4, 5 एंड 6, फाइंड करना है कि जो भी नीचे दिया हुआ उसमें से कौन कौन सा ट्रू है, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं।
तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, जो फोर एंड फाइव है वो सबसेट होगा ए का, जो फोर एंड फाइव है ए का सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि फोर एंड फाइव जो है वो पूरा एक सेट है, तो इसका सेट सबसेट होगा। मीन्स अगर ये रहता ऐसे फोर एंड फाइव, ठीक है, ये ऐसे रहता तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ए का सबसेट है, बट यहाँ पर ये ब्रेक कर्ली ब्रेसेस नहीं है बिकॉज यहाँ पर, सो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो फोर एंड फाइव है वो ए का सबसेट नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन होगा फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर टू हम लोग देखेंगे, जो फोर एंड फाइव है, जो सेट फोर एंड फाइव है वो बिलोंग करता है ए से, तो यहाँ पर देखेंगे कि फोर एंड फाइव है ए के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर ये होगा ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे, जो फोर एंड फाइव है सिमिलरली इस क्वेश्चन के जैसा है, फोर एंड फाइव जो सेट है उसका सेट ए के अंदर आएगा, यानी फोर एंड फाइव का जो सेट है इसका सेट ए के अंदर आएगा, तो ये होगा ट्रू। ओके, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है फोर जो है वो बिलोंग करना चाहिए ए से, तो यहाँ पर फोर ए से बिलोंग नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ पर फोर सिंगल नहीं है, फोर के साथ फाइव भी है, फोर जो एक सेट है जिसके साथ फाइव भी है, एक ऐसा सेट है जिसके अंदर फोर और फाइव दोनों है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। फिर क्वेश्चन नंबर फाइव है, जो थ्री है सेट थ्री है वो बिलोंग करता है ए से, ए में, तो ए में जो थ्री है वो बिलोंग कर रहा है, यानी ये ट्रू है। ये सिंगल थ्री होता और ऐसे होता तो ये हो जाता फॉल्स, बट यहाँ पर अगर ऐसे रहता तो ये हो जाता ट्रू। ओके, तो यहाँ पर जब भी सबसेट होता है तो सबसेट में हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। देन यहाँ पर फाइव है, फाइव बिलोंग करता है ए से, तो फाइव बिलोंग करता है ए से, यहाँ पर ये हो जाएगा फॉल्स बिकॉज यहाँ पर हम लोग अगर ऐसा रहता फाइव, ओनली फाइव, सॉरी यहाँ बिलोंग नहीं है, यहाँ पर क्या है सबसेट है, जो फाइव है ए का सबसेट है, तो यहाँ पर फॉल्स क्यों होगा, बिकॉज फाइव ये एक सेट नहीं है, फाइव एक सेट नहीं है, फाइव में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो हम लोग फाइव लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो अगर ये ऐसा रहता तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि फाइव जो है वो सबसेट है ए का, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर सेवन है, जो फाइव है सबसेट है ए का, सिमिलरली इसी तरह का क्वेश्चन है सेम, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो ये होगा ट्रू। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर एट है, जो एलिमेंट है थ्री फोर फाइव इसका जो सेट है वो ए का सबसेट होगा कि नहीं, तो ए के अंदर थ्री तो है बट फोर और फाइव नहीं है, फोर फाइव पूरा एक सेट ही है, तो यहाँ पर अगर इस तरह से रहता तो इसका आंसर ये ट्रू होता, बट यहाँ पर ये ब्रैकेट में नहीं है, तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा फॉल्स। देन क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जो थ्री एंड सिक्स है वो सबसेट है ए का, तो थ्री और सिक्स ए का सबसेट है, यहाँ पर कोई भी ऐसा दोनों जो एलिमेंट है वो इंडिविजुअल है, थ्री भी और सिक्स भी, और ये दोनों ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। मीन्स जो थ्री और सिक्स है वो ए का सबसेट होगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।